हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। मीठे में आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बेसन एक कटोरी। आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कटोरियाँ हमारी सारी एक साइज की हैं। चीनी पौन कटोरी यानी एक कटोरी से थोड़ा कम, घी आधी कटोरी, पानी एक कटोरी, दूध एक कटोरी, इलायची पाउडर आधी छोटी चम्मच, एक बड़े चम्मच कटे हुए नट्स, नट्स आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम चीनी और पानी डालकर चीनी मेल्ट होने तक पकने देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे हम। पैन को हम दूसरी गैस पर रख देंगे पकने के लिए। तब तक हम एक गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में हम दूध डाल देंगे, इसके बाद हम डालेंगे घी और इसे हमें बॉयल होने देना है। जब दूध हमारा बॉयल होने लगे तो इसमें हम बेसन डाल देंगे और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब बेसन को हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक दूध में पकाना है। इसी तरीके से हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। लगभग 4 मिनट बाद इसमें हम चीनी वाली चाशनी डाल देंगे जो हमने पकने के लिए रख दी थी। इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए। अब हम डालकर इसे फिर से चलाएंगे, फिर हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। लगभग 2 मिनट बाद इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें हम और फिर से इसे हम चलाएंगे। आप देख सकते हैं हलवा हमारा घी छोड़ने लगा है। अभी इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और भूनना है ताकि बेसन हमारा पूरी तरीके से पक जाए, इसमें बिल्कुल भी बेसन का कच्चापन न रह जाए। अब हलवे का कलर हमारा हल्का चेंज हो चुका है और हलवे में से घी भी अच्छे से सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है हलवा हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए नट्स डाल देंगे। नट्स आप अपने इच्छा अनुसार डालें, चाहे जो भी डाल सकते हैं। एक बार इसे हम मिक्स करके इसे हम सर्व करेंगे। आप भी इस हलवे की रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें। कैसा लगा आपको ये हलवा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।